तो बच्चे बच्चों आइए देखते हैं, आज हम इस लेक्चर में हम ये देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो उस पर एक फोर्स आएगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो हम कैसे पता करेंगे, उसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी वो देखेंगे हम लोग। तो आप जानते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर अगर क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी उस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे। किससे पता करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता करेंगे ना, मैंने बताया था अगर ये कोई करंट है, ये कोई कंडक्टर है, आप देखो बच्चों इसे देख रहे हैं ना, ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट अगर देखिए करंट की डायरेक्शन ये देखिए, ये अगर इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो फोर्स है इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, लगेगा। और ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है वो इस तरीके से है, तो यानी फ्लेमिंग ने ये बताया अगर लेफ्ट हैंड के हम थंब और पास वाली दो अंगुलियों को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि सभी एक दूसरे के क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाए, ये इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाए, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है और ये इसके साथ परपेंडिकुलर हो, 90 बनाए, ठीक ना। और इसकी जो थर्ड फिंगर है यदि वो करंट की डायरेक्शन को बताए, देखो ये इधर आ रहा है देख रहे ना, करंट की डायरेक्शन को बताए तो सेकेंड फिंगर जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, तो थंब मस्ट बी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, आप देख रहे हैं ये इधर है, ये फिंगर इधर है, तो थंब क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं। मैंने एक बात और भी कभी बताया था कि आपको नहीं पता हो तो इस तरीके से ये कहो फादर मदर चाइल्ड, क्या मैंने बताया था, फादर मदर चाइल्ड, अगर तीनों फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के क्या हो बताइए बच्चों, परपेंडिकुलर हो, तो क्या करेगा, फादर मदर चाइल्ड, फादर मतलब फोर्स या मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी मतलब करंट, फादर मदर चाइल्ड याद रहे, ठीक इस रूल से पता करते हैं। लेकिन फ्लेमिंग का एक राइट हैंड रूल भी है, वो थोड़ा लेफ्ट हैंड रूल से चेंज होता है। अब राइट हैंड के फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यदि पहले फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, तो थंब मस्ट बी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सब कुछ सेम है, यानी ये एफ एम सी था, ये यम यम सी था, मोशन मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये साथ ही राइट हैंड भी हो गया लेफ्ट हैंड भी हो गया। और राइट हैंड पाम रूल भी मैंने बताया था, राइट हैंड पाम रूल भी मैंने बताया था, याद आ रहा ना, इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं, ये थंब है, ठीक है ना। अगर थंब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे, वेलोसिटी मतलब चार्ज के चार्ज का मोशन, तो ये क्या करेगा, और ये सभी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो फोर्स होगा पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये राइट हैंड पाम रूल भी बता दिया था। सारे रूल्स आप याद रखना, ठीक है ना, सभी काम देंगे। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये भी लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये आप अपने बुक्स में जाएं और वहां पे लैंग्वेज भी लिखा होगा और ये फिगर आप बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों।